डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आरसीआई ऑनलाइन पाठशाला। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो जो अब तक पढ़ा है उसका कॉम्बिनेशन है। तो देखिए, हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, माइनस आयोटा की पावर 8n प्लस 3, और जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल n, यानी n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। देखिए आप कैसे करोगे, माइनस आयोटा की पावर 8n ऐसा लिख सकते हो, और उसके बाद क्या लिखोगे, डॉट माइनस आयोटा की पावर 3। ठीक है भाई, बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाती है, ऐसा आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस आयोटा की पावर 8n प्लस 3। ठीक है, उसके बाद देखो, माइनस आयोटा की पावर 4, और इसकी पावर क्या लगाएंगे, 2n। ठीक है ना, देखो आयोटा या माइनस आयोटा कुछ भी हो, उसका अपन ने क्या कर दिया, पावर 4 और 2n। देखो 4 टू सा 8n होता है कि नहीं होता, यू अगर कॉर्नर में है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है। और देखो माइनस आयोटा क्यूब तो क्या होगा, माइनस बार ले लो और ये क्या हो जाएगा, आयोटा क्यूब। ठीक है ना, ध्यान देना दोबारा से, आयोटा क्यूब और ये बाहर माइनस है, यहां माइनस है तो इधर आ जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान से, अरे इतना तो पता होगा ना, माइनस ए का क्यूब क्या होता है, माइनस ए क्यूब होता है, ये तो आपको पता है ना। तो क्या किया, माइनस आयोटा, उस ए की जगह माइनस ए है, यहां तो क्या है माइनस ए और यहां पर क्या है माइनस आयोटा, तो क्या होगा माइनस आयोटा क्यूब। तो माइनस मैंने आगे ले लिया, आयोटा क्यूब क्या लिख दिया, वो दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद देखो भाई, माइनस ए का स्क्वायर करो या आप ए का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। ऐसे ध्यान देना, माइनस बाहर ले लो और आयोटा की पावर 4 करो या माइनस आयोटा की पावर 4 करो तो क्या आएगा, आपको मिलेगा तो सेम ही, क्या मिलेगा, 1, और इसकी पावर क्या है, 2n। नहीं समझ में आया भाई, माइनस आयोटा की पावर 4 देख लो, माइनस आयोटा की पावर 4 ऐसे है ना, मतलब माइनस आयोटा की कंप्लीट पावर 4, तो क्या होगा, माइनस आयोटा गुणा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा, ऐसा ही है ना। देखो माइनस आयोटा से ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, कैंसिल हो गया ना, और ये क्या है आयोटा स्क्वायर, और ये क्या है आयोटा स्क्वायर, क्या हो गया माइनस 1 इंटू माइनस 1, क्या मिला 1 मिल गया। तो देख लो ये माइनस रहा और ये क्या है 1, और 1 की पावर क्या आ गया 2n, और ये आयोटा क्यूब क्या है माइनस आयोटा। ठीक है, उसके बाद देखो ये माइनस और 1 की पावर तो कुछ भी हो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, और ये क्या है माइनस आयोटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी आपका उत्तर क्या आएगा फाइनल आंसर आयोटा। समझ गए, केवल और केवल इस पूरी लाइन में समझने का क्या था कि जो 8n है इसको किसके, पहले तो 8n प्लस 3 को अलग अलग डिवाइड कर लो, यहां तो मैंने 8n किया और यहां 3 कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा किस पे, हमने आयोटा की पावर 4 पे पढ़ा है। तो मैंने देखो पहले आयोटा होता था, अब क्या है माइनस आयोटा है, तो मैंने लिखा माइनस आयोटा की पावर 4, अब बच कितना गया 2n, ऊपर बच गया, देखो मल्टीप्लाई करके देखो 8n जगह लिया जाएगा। अब ध्यान देना, आयोटा की जो पावर है, आयोटा की जो पावर है वो माइनस आयोटा की पावर 4 क्या होगा 1, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया 1, ये माइनस आ ही रहा था, इसकी पावर 2n, और आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, पुरानी क्लास में पढ़ाया हुआ है, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अब 1 की पावर कितनी भी करो क्या आएगा 1, तो माइनस माइनस प्लस हुआ तो क्या आ गया आयोटा। और देखिए आपको कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, इतना तो आप भी मान के चलेंगे, और अगर ये वीडियो किसी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया यहां पे, तो आप इनको ओपन करके देखो ना, अपने से इनको ओपन करके देखो कि आयोटा की माइनस आयोटा है, इसकी पावर 8n किया तो माइनस आयोटा की पावर 4 हुआ, तो बच कितना गया 2n, क्योंकि कॉर्नर पे होते हैं वो क्या होते हैं हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। इस टाइप में आप अपने से करके देखो, और जब तक आपको डाउट नहीं आएगा ना,
तब तक आप इस मैथमेटिक्स में तो कम से कम बेस्ट पोजिशन पर नहीं पहुंच सकते, डाउट भी आने जरूरी है, तभी तो आपकी माइंड की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और क्रिएटिविटी बढ़ेगी तभी आप इंटेलिजेंट बनोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप अपने से लिखो और उनको सोल्व करो, तो कुछ नहीं था केवल सबसे पहले क्या है दोबारा समझ लो इनको मैंने क्या किया है, अलग अलग कर लिया। अब ये माइनस आयोटा की पावर 4 इसकी पावर के लगा दिया 2n, और ये माइनस आयोटा की पावर क्यूब है तो यह माइनस और आयोटा क्यूब, उसके बाद आपको लिख लिया ठीक है। उसके बाद वो क्वेश्चन हो गए लगे यार ये तो एक ही हुआ है अभी तो, चलो एक पहले थर्ड देख लेते, थर्ड को देखो उसके बाद फिर अपन आएंगे इस वाले पे है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा, देखो थर्ड के बारे में देखो क्या है थर्ड, आप इसका एलएचएस पार्ट ले लो, देखो आयोटा की पावर एन, आयोटा की पावर एन प्लस वन, आयोटा की पावर एन प्लस टू, आयोटा की पावर एन प्लस थ्री, ये आपने एलएचएस ले लिया। अब आपको क्या लाना है, जीरो लाना है। तो देखो कैसे करोगे, आयोटा की पावर एन, आयोटा की पावर एन डॉट आयोटा की पावर वन, आयोटा की पावर एन डॉट आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर एन डॉट आयोटा क्यूब, यही है। उसके बाद देखो आप पूरे में से आयोटा कॉमन ले लो, आयोटा कॉमन, आयोटा की पावर एन कॉमन लिया तो यहां क्या आया वन, यहां क्या आया आयोटा की पावर वन, यहां क्या आयोटा की पावर टू, और यहां क्या आयोटा की पावर थ्री, कंप्लीट। उसके बाद देखो आयोटा की पावर एन, यहां पर देखो वन प्लस आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा, देखो आयोटा की पावर वन क्या होगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होगा माइनस वन, आयोटा क्यूब क्या होगा माइनस आयोटा। तो देखो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया आयोटा की पावर एन इंटू जीरो, और ये क्या आ जाएगा फिर जीरो, और यही आपका क्या है आरएचएस है, कंप्लीट हो गया। देखो अगर दिखाई नहीं दिया तो इधर देख लो, आयोटा की पावर एन और ये क्या है पूरा जीरो, तो यहां से क्या आएगा जीरो, और यही आपका क्या है आरएचएस, कंप्लीट है ना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन और है, उसको भी आप लगे हाथ देख लो, इन सब क्वेश्चन की पीडीएफ मैं बना के भेज दूंगा, लेकिन केवल नोट करना आपका एम नहीं होना चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव इनको अच्छे से समझना और इन क्वेश्चंस को दो से तीन बार अपने हाथ से करना, ताकि आप जब ऑफलाइन क्लास में आओ तो ये चैप्टर जब मैं आपको दोबारा से पढ़ाऊं तब आपको ये बहुत अच्छा समझ में आए। इसमें देखिए आयोटा की पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा इसकी पावर क्या है 29, और उसका कंप्लीटली क्या है स्क्वायर, ध्यान दो आयोटा की पावर 19 प्लस 1 की पावर 29 अपॉन आयोटा की पावर 29 और इसकी पावर क्या है स्क्वायर, हो गया भाई अलग अलग कर दिया ना। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा ना ए अपॉन बी की पावर एन, तो क्या करते हैं ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन, यही तो करते हैं। तो देखो ध्यान से आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर 4 और आयोटा क्यूब, समझ गए। अरे जो 19 है इसमें 4 से डिवाइड करो क्या आ गया 4, तो आयोटा की पावर 4 उसका भी 4, और बच कितना गया रिमाइंडर 3 बचता है, ऐसा लिख दिया प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 इसका 7 और यहां पे आयोटा की पावर 1, अब इतना तो आप पाना चाहिए 29 का 4 से डिवाइड करो क्या आएगा 7 प्लस 1, हो गया। उसके बाद देखो भाई आयोटा की पावर 4 है वो क्या होता है 1, और 1 की पावर 4 क्या होगा 1, और आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, चलो अभी इनके लिए आप ऐसा लिखो 1 की पावर 4 आयोटा की पावर 4 है ना, 1 की पावर 4 और आयोटा क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 7 डॉट आयोटा, और ये स्क्वायर तो चल ही रहा है यहां स्क्वायर लगाओ। उसके बाद देखो बच्चों ध्यान से ये क्या आएगा 1 की पावर 4 है तो 1 रहेगा, और 1 इंटू आयोटा क्यूब क्या होगा आयोटा क्यूब भी आएगा प्लस 1 अपॉन आयोटा और इसका स्क्वायर कर दो भाई 1 की पावर 7 1 और 1 इंटू आयोटा क्या होगा आयोटा। उसके बाद देखो ध्यान देना आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, और 1 अपॉन आयोटा क्या होता है माइनस आयोटा और इसका स्क्वायर कर दो, सिखा रखा है 1 अपॉन आयोटा क्या होता है माइनस आयोटा, देख लो 1 अपॉन आयोटा क्या होगा देखो ऊपर नीचे क्या कर दो आयोटा से मल्टीप्लाई करो आयोटा और आयोटा स्क्वायर क्या आएगा आयोटा और माइनस 1 क्या बन गया माइनस आयोटा, कंप्लीट है ना। उसके बाद देखो माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर
तो इसको ओपन कर लो, माइनस टू आयोटा इंटू माइनस टू आयोटा, भाई ये कैंसिल आउट हो जाता है माइनस माइनस, और ये क्या हो गया फोर और आयोटा स्क्वायर, फोर इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो यहां से क्या आया माइनस फोर, और यही आपका क्या है माइनस फोर आंसर है। इस प्रकार से आपने इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट कर दिया। अगली क्लास से हम आपको पढ़ाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में किस प्रकार से आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवाइड करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक फॉर योर बेस्ट फ्यूचर।